सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है रिंग के बारे में, यानी कि सीमेंट का जो पोल हमने बनाया था उसके ऊपर जो रिंग लगता है उसके बारे में ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। हमने अपनी बड़ी वाली फार्म में जो गलतियाँ की थी, ऊपर में टायर वाला रिंग लगाया, उससे सबक लेते हुए इस बार हमने सीमेंट का रिंग बनाने का डिसीजन लिया है। तो ये रिंग कैसे बनता है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, इसी के बारे में ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है, अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। रिंग बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक फार्मा का ज़रूरत पड़ता है। ये हमारा जो फार्मा है ये हमने खुद ही हाथ में बनाया है, जिसका लंबाई 24 इंच और चौड़ाई 22 इंच है और ये मोटाई पे 2.5 इंच है, जिसमें हम 2 इंच ही माल भरेंगे। फिर इसको हम प्लेन सरफेस में रख के इसके ऊपर पेपर या फिर ढलाई वाला प्लास्टिक कुछ भी दे देते हैं, जिससे कि ढलाई नीचे में चिपके ना। इसके बाद ये हम काट का टुकड़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है उस मिडिल वाला पोर्शन खाली होता है, जो कि हम पोल के माथे वाला जो पोर्शन है उसके नापी में लिया था। फिर उस काट के टुकड़े को हम फार्मा के मिडिल में बैठा देते हैं, चौड़ाई में ये 11 इंच में इसका सेंटर होता है और लंबाई में 12 इंच में, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। फिर इस काट को वहाँ पर बैठाने के बाद हम जो चौड़े वाला रिंग है उसको सेंटर में बैठा देते हैं अच्छी तरीके से, और मिडिल में छोटा वाला रिंग को। ये दोनों को बैठाने के बाद हम इसका चारों कोने में चार को जो 11 इंच वाला कटिंग पीस है उसको दे देते हैं। फिर उसके बाद हम जो केले का कांड होता है उसको हमने एक सेंटर करके बिठा देते हैं, ताकि चारों तरफ से जो गैप है वो अच्छी तरीके से और समान मात्रा में रहे। ये हम केले के छिलके यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये ढलाई को पकड़ते नहीं हैं, आराम से उठ जाते हैं। फिर आते हैं रड के नापी के बारे में। ये जो चारों कोने में हमने दिया ये चारों 11 इंच वाला है, ये जो छोटा वाला रिंग है ये 26 इंच वाला एक कटिंग हमने लिया है, और ये जो लंबाई वाला है सबसे लंबा वाला जो आप बड़े रिंग देखते हैं वो 84 इंच का, यानी कि 7 फुट का होता है। तो एक बार मैं और बता देता हूँ, एक 11 इंच का 4 पीस और 26 इंच का 1 पीस और 84 इंच का 1 पीस। फिर 84 इंचेस वाला रिंग को हम दो जगह से बेंड करते, एक 19 इंची में और एक फिर 22 इंची में, दोनों जगह में हमने कील लगा दिया ताकि हमको बार बार नापी लेना नहीं पड़े। फिर कुछ 8-10 इंची हम ऐसे ही बेंड कर देते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद हम लंबाई वाला लेते हैं और फिर एक बार बेंड करते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री में बेंड करने के बाद उसके बाद वाला जो है उसमें हम लोग जो 19 इंची वाला है वहाँ पे बेंड करते हैं। एक बार 19 इंची वाला में बेंड करने के बाद फिर इसको 22 इंची में एक बार लास्ट टाइम बेंड कर देते हैं। बेंड कर देने के बाद अपना कुछ रिंग चारों कोना से ऐसा दिखता है, और ये जो जॉइंट पोर्शन है इसमें हम लगा देते हैं वायर। फिर छोटा वाला रिंग को हम 4 इंच 5 इंची और 6 इंची, ये दोनों जगह में बेंड करते हैं। ये दोनों जगह में भी आप देख पा रहे होंगे कि कील हमने ऑलरेडी लगा के रखा है, तो इसको भी 90 डिग्री एंगल पर पहले 2-3 इंची बेंड कर लेते हैं, उसके बाद 6 इंची में बेंड करते हैं 90 डिग्री, उसके बाद 5 इंची में फिर 90 डिग्री बेंड करते हैं, और फिर फाइनल में ये हम ओवरलैप कर देते हैं और यहाँ पे एक वायर से इसको बांध देते हैं। तो ये अच्छी तरीके से रिंग रेडी हो जाता है। अब रिंग रेडी हो जाने के बाद हमने इसको उठा लिया है, उठाने के बाद फार्मा से हम अभी इसमें थोड़ा सा सीमेंट का छिड़काव कर देते हैं। सीमेंट का छिड़काव करने के बाद हम लोग मसाला बनाते हैं। बालू हम लोग एक कढ़ाई के करीब में लेते हैं, और गिट्टी जो है यहाँ पे हमने 12 mm वाला गिट्टी, हाफ इंची वाला गिट्टी यूज़ किया है, ये आधा कढ़ाई से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, और सीमेंट आधा कढ़ाई से थोड़ा कम लेते हैं। इससे आपका एक बैग यानी कि 50 किलो वाला सीमेंट का बैग में 12 से 13 रिंग आराम से रेडी हो जाता है। तो ये सबको लेने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मसाला को मिक्स किया। मसाला को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हमने भरना चालू किया। तो हमने थोड़ा ऊपर से पानी का छिड़काव करके इसको 1 इंची तक पहले भर देंगे। 1 इंची तक भरने के बाद इसके ऊपर रिंग बैठा देंगे, और रिंग के ऊपर फिर 1 इंची इसको भर देंगे।
तो ये देखिए, ये जब आप भरेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हिले ना, जो आपने बैठाए है मेज़रमेंट करके, जो भी काट है या फिर केले का जो कांड है ये सब हिले ना, इसके लिए आपको इसको थोड़ा पकड़ के सावधानी से इसको मसाला भरना है। फिर हमने लगा देते हैं इसमें बड़ा वाला रिंग और उसको थोड़ा प्रेस कर देते हैं। फिर छोटा वाला रिंग लगाते हैं सेंटर में, चारों तरफ का गैप का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर कोने में, चारों कोने में चार वो 11 इंच वाला जो कटिंग होता है उसको दे देते हैं। उस सब को देने के बाद हम फिर ऊपर से मसाला भरना चालू करते हैं। इस समय थोड़ा जो रिंग वगैरह है थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो टेढ़ा होने के कारण इसको पकड़ के हम लोग अच्छी तरीके से मसाला देते हैं ताकि ये इधर उधर ना भागे। फिर इसको हम पूरी तरीके से मसाला में भर देते हैं। मसाला जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, इसको मसाला में हम लोग अच्छी तरीके से भर दिया और अभी ये फाइनल पोजीशन है, एकदम हमारा काम फिनिश होने के कगार में है। तो इसको हमने पूरा भर देने के बाद, इसको अगर बीच में कहीं पे गैप हो जाता है तो इसका स्ट्रेंथ नहीं आता है, इसके लिए हमने एक काट का टुकड़ा लिया और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसके ऊपर ठोक दिया, ताकि क्या होता है इससे अगर कहीं पे कुछ गैप वगैरह रहता है और ऊपर में फिनिशिंग भी इसको देखने में अच्छा आता है, तो ऊपर का सरफेस भी एक तो प्लेन हो जाता है और कहीं पे कुछ गैप वगैरह है तो वो भी मिट जाता है। तो इसके बाद हमने इसको ठोकना चालू किया और फिर हमारा ये फाइनल व्यू आ गया। इसके करीब 2 से 4 घंटे बाद, कम से कम 3 से 4 घंटे आपको वेट करना है। फिर इसके बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको उठाना है। उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से थोड़ा हल्का सा प्रेशर देके और थोड़ा सावधानी से इसको उठाना चाहिए, ताकि ये कहीं पे टूट फूट ना हो जाए। अगर मान लीजिए आपका कहीं पे थोड़ा बहुत टूट फूट हो भी गया तो उसको तुरंत वहीं पे सही कर दीजिए। और फिर हम लोग केले का ये जो कांड होता है इसको उठाते हैं। इसको उठाने के लिए हल्का सा इसको गोल गोल घुमाना पड़ता है। गोल गोल घुमाने के बाद ये आराम से उठ जाता है, कोई इससे ढलाई का मसला पकड़ते नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको यूज़ किया। और ये जो आप गैप देख पा रहे हैं, इसी से जो ड्रैगन फ्रूट का जो पत्ता है ये यही से ऊपर में आएगा और फिर अपना जो केनोपी है वो ये पूरा कंप्लीट करेगा। इसके बाद हम लोग इसमें पानी देते हैं। करीब 1 दिन बाद हम इसको पानी देने के बाद हमारा कुछ व्यू ऐसा होता है। और आप चाहे तो इसको पानी में डुबो के भी रख सकते हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद हम लोग जो रिंग बनाया था उसको पोल के ऊपर बैठा देते हैं। पोल के ऊपर बैठाने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा व्यू आता है और ये पोल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है। तो इससे जो है अपना पूरा जो रिंग स्ट्रक्चर है, यानी ड्रैगन फ्रूट का जो रिंग और पोल का पूरा स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट होता है। तो यही था आज का वीडियो में। ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और इस चैनल में हम लोग मेनली ड्रैगन फ्रूट के रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं, तो अगर आपका कोई ड्रैगन फ्रूट के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।